हेलो फ्रेंड्स, आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर, आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल पर 8 to 12 साइंस और मैथ के स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर विजिट करें, उसमें जाकर देखें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हमारा चैनल हमेशा आपको प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आज अपने इस वीडियो में, फ्रेंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर 1 का जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कर रही हूँ। तो ये जो है क्लास 9th के चैप्टर, क्लास 9th का साइंस का चैप्टर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल, ठीक है। यहाँ हमारे जो दिए हुए हैं, केल्विन में दिए हुए हैं, उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल में। तो देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ए जो मेरा है, 293 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। पहला तो ये है ए में, और बी में देखिए फ्रेंड्स, हमारा 470 केल्विन है, ठीक है, 470 केल्विन। तो इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री स्केल में, सेल्सियस डिग्री स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमें देखिए 293 माइनस 273 करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो बी हमारा है 470 केल्विन माइनस 273 करना होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी का आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते टाइम हम लोगों ने सीखा, अगर टेम्परेचर हमारा केल्विन में दिया हुआ है, तो उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी दिए हुआ टेम्परेचर, उतना माइनस 273 करना होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है फ्रेंड्स, तो हमें उसमें, यहां हम लोगों ने 273 माइनस किया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी दिए हुए हैं, ओके। तो ए और बी दिए हुए हैं, ए में है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, बी में है 373 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट कर रही हूं, ठीक है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को क्या करना है, 25 प्लस 273 इक्वल टू 278 केल्विन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहां हमारा दिया हुआ 373 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो 373 प्लस 273 इक्वल टू 646 केल्विन, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने देखा, दूसरे क्वेश्चन में देखा कि हमें
डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना पड़ा फ्रेंड हम लोगों को, जितने भी डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं हमारे उसमें 273 ऐड कर देना है, जोड़ देना है फ्रेंड्स, हमें केल्विन में उसका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ओके, अब इसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन जो है, ए में क्या है, नेफ्थेलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम without leaving any solid। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कर लूं, फिर मैं बी में चलती हूं। ठीक है फ्रेंड्स, नेफ्थेलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ओके, तो यहां हम लोग देखते हैं इसका आंसर जो होगा, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ओके, क्या हो रहा है, सॉलिड से कन्वर्ट होके गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। Each call क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहते हैं हम लोग उनको। ठीक है, तो हम लोग सब्लिमेशन, तो हम लोगों ने सब्लिमेशन का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ सब्लिमेशन ही यूज हो रहा है। ठीक है, इस नेफ्थेलीन बॉल के साथ क्यों डिसअपीयर कर जाए विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, तो यही तो हो रहा है यहाँ, ये जो नेफ्थेलीन बॉल है उसमें सब्लिमेशन ही तो हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, नेफ्थेलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन वेरी इजीली ओके विथ टाइम दिस बॉल्स get converted from solid form to
form? Fall thereby disappearing fall our sight without leaving any solid. ओके तो फ्रेंड्स हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन का ए का आंसर हम लोगों ने देखा. क्या हुआ फ्रेंड्स? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ठीक है, नेफ्थलीन वॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन वेरी इजीली विद टाइम दीज वॉल्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू कलरलेस गैसेस फॉर्म. Thereby disappearing from our sight without leaving any solid. Okay? तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए का आंसर हुआ. अब मैं इसी तीसरे नंबर में एक और है तो उसका आंसर मैं दूंगी फ्रेंड्स. तो इसको मैं क्लियर कर लू. ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं चलती हूँ. बी में हमारा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम sitting several meters away. अब इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ. देखिए क्या होता है. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Particles of perfume mix in air and travel at the high speeds to reach our nostrils. When these particles come in contact with olfactory nerves in our nose
gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Particles of perfume mix in air and travel at the high speeds to reach our nostrils. When these particles come in contact with olfactory nerves in our nose, a sensation of pleasant smell is created. Okay? तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन नंबर का बी का आंसर. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है फ्रेंड्स? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस in increasing order of forces of attraction between the particles क्या क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? वाटर, शुगर, ऑक्सीजन. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा फ्रेंड्स. इसका आंसर देखिए मैं बताती हूं फ्रेंड्स. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन forces of attraction between particles of solid more than liquid more than gaseous. ठीक है, तो क्या होता है सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, फिर गैसेज होता है. ठीक है, तो यहां हमारा देखिए वाटर क्या है, वाटर हमारा लिक्विड हो गया, सुगर क्या हो गया, सुगर हमारा सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया हमारा गैस हो गया. ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा? सबसे कम ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर, उसके बाद क्या हो जाएगा सुगर. ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा देखिए यहां हो गया. तो ये हमारा हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर. अब आगे तो इसमें क्या हम लोग देखें फ्रेंड्स, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस. तो वाटर क्या है, लिक्विड है, सुगर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑक्सीजन, अगर हम इसको लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑक्सीजन देन वाटर देन सुगर. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट
डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन नंबर बी जो है 0 डिग्री सेल्सियस, यहां क्या हो जाएगा? सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन नंबर सी जो है फ्रेंड्स 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, गिव टू रीजन, टू रीजंस टू जस्टिफाई, जस्टिफाई में यहां दो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर हम देखते हैं फ्रेंड्स। लिक्विड्स हैव, अब हम यहां चलते हैं, जब हमसे पूछा गया वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई, देन सबसे पहले हम लोग लिक्विड के, लिक्विड को देखेंगे, लिक्विड का क्या होता है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, क्या होता है, तो उस पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद इसको जस्टिफाई करेंगे। तो लिक्विड्स है डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, लिक्विड है डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दे आर प्लेस्ड इन लिक्विड्स कैन फ्लो टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर वाटर सोच ऑल द एवर प्रॉपर्टीज एवर मेंशन properties, thus water at room temperature is classified
तो हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो हम लोगों ने देखा, लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दे आर प्लेस्ड इन लिक्विड्स कैन फ्लो एट रूम टेम्परेचर, वाटर शोज ऑल द एवर मेंशन प्रॉपर्टीज, दस वाटर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए लिक्विड। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 का ए, अब हम लोग बी क्वेश्चन नंबर 6 का बी का आंसर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बी, तो बी में क्या है फ्रेंड्स, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम सॉलिड के प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो उसी से तो हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सॉलिड्स, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, दे आर रिजिड एंड हैव अ फिक्स्ड शेप, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉरी कैन नॉट फ्लो एट रूम टेम्परेचर, एन आयरन अलमीरा शोज ऑल द एबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज, दस एन आयरन अलमीरा एट रूम टेम्परेचर इज क्लासिफाइड एज अ सॉलिड। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई, देन इसका आंसर क्या हुआ, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, दे आर रिजिड एंड हैव अ फिक्स्ड साइज शेप एंड साइज, सॉलिड कैन नॉट फ्लो एट रूम टेम्परेचर, एन आयरन अलमीरा shows all the above mentioned properties, thus an iron almira at room temperature is classified as a solid. Okay friends, तो ये हमारा 6 number question का answer हो गया। अब हम चलते हैं question number 7। तो हमारा question number 7 में क्या दिया है friends, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling
देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे. हाँ, तो हम लोग चलते हैं आंसर में. आइस एट 273 केल्विन हैज लेसर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. वाटर हैज एन एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वाटर एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एंड इट्स टेम्परेचर will start rising. Whereas ice at 273 Kelvin will absorb heat and first convert to water at the same temperature. Only after complete conversion from to water, the temperature will rise. Okay, thus ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at same temperature. तो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हुआ.
Ice at 273 Kelvin has less energy than water at the same temperature. Water has an additional latent heat of fusion. Water at 273 Kelvin will absorb heat and heat yahan T hoga friends. Heat and its temperature will start rising, whereas ice at 273 Kelvin will absorb heat and first convert to water at the same temperature. Only after complete conversion form to water, the temperature will rise. Thus, ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at same temperature. Okay, friends? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ. अब अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 में है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर स्वेयर बॉन्ड्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, तो इसका आंसर हम लोग अब करेंगे फ्रेंड्स. तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टीम एट 373 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. स्टीम हैज एन एडिशनल हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, देन क्या होगा फ्रेंड्स? वाटर 373 Kelvin will release heat and its temperature will start decreasing. Whereas steam at 373 Kelvin will release heat and first convert to water at the same temperature. Only after complete conversion from steam to water, the temperature will start decreasing. Thus, steam produces more severe burns then boiling water. Okay friends, तो अब हम note down करें. ठीक है friends, steams at 373 Kelvin has more energy than water at the same temperature. Steam has an additional heat of vaporization. Water at 373 Kelvin will release heat and its temperature will start decreasing. Whereas steam at 373 Kelvin will release heat and first convert to water at the same temperature.
Only after complete conversion from steam to water, the temperature will start decreasing. Then हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, स्टीम एट 373 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन वाटर. एट द सेम टेम्परेचर स्टीम हैज एन एडिशनल हीट. यहां देखिए जो एडिशन है एडिशनल होगा फ्रेंड्स, हीट ऑफ वेपराइजेशन. वाटर एट 373 केल्विन विल रिलीज हीट एंड इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. वेयर एज स्टीम at 373 Kelvin will release heat and fast convert to water at the same temperature. Only after complete conversion from steam to water, the temperature will start decrease. Will start decreasing. Okay friends? आगे थोड़ा सा और है friends, तो इसको मैं clear कर लूँ, अगले page में मैं बताऊँगी. Does steam produces more severe burns than boiling water? Then boiling water. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर एट हम लोगों ने देखा. अब अगला जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, तो इसको हम लोग क्लियर कर लें. तो क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नाइन, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग change in its state. Okay, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे फ्रेंड्स. ये देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है फ्रेंड्स, जहां की हम लोग देख रहे हैं यहां पे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, यहां पे लिक्विड है फ्रेंड्स, लिक्विड, और यहां जो हमारा है फिर से गैस है, ठीक है फ्रेंड्स. अब यहां देखिए हम लोग इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, एक एरो यहां है फ्रेंड्स, एक एरो यहां है फ्रेंड्स. ये जो है एक बार सॉलिड से लिक्विड की ओर गया है फ्रेंड्स, एक बार जो है लिक्विड से सॉलिड की ओर गया है, ठीक है. इधर लिक्विड से जो है एक बार गैस की तरफ गया हुआ है फ्रेंड्स, एक तरफ लिक्विड की ओर आया है, ठीक है. अब
ये जो है ए है, ठीक है, ए, ये है डी, ये है बी, और ये हमारा सी। और ये जो ऊपर से इस तरह से इधर का एरो जो गया हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया ई। और नीचे की ओर जो गया हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया एफ। का नाम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो ए हमारा हो गया फ्यूजन। यहां देखिए डी जो है, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। डी हम लोग हमारा क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे यहां देखें फ्रेंड्स, लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वेपराइजेशन। तो यहां बी जो है, बी हमारा हो जाएगा वेपराइजेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहां हमारा सी जो हो जाएगा कंडेंसेशन। प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड से सीधा जब गैस बनता है, या गैस से सीधा सॉलिड जब बन जाता है, तो सॉलिड से गैस बनना या इसका जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, तो दोनों ही रूप में हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग ई में क्या देखेंगे, ई जो हमारा हो गया सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। अब एफ में हम लोग देख रहे हैं कि गैस से सीधा सॉलिड के बनना, ये भी सब्लिमेशन होता है। अभी जस्ट मैंने बताई आपको कि सॉलिड से गैस बनना, या जस्ट इसका अपोजिट वाइस वर्सा, गैस से सॉलिड बनना भी सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये हमारा जो एफ हो गया, ये भी हो गया हमारा सब्लिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। और फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 में 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके पूरे 9 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने इस वीडियो में किया। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा फ्रेंड्स, तो हमारे इस वीडियो को जस्ट लाइक कर दें। और हमारे इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स।